दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं खुशबू और हम डिस्कस कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम से वेल्डर ट्रेड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में, जिसके अंतर्गत हम वेल्डर ट्रेड के सभी सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही जो CITS एंट्रेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन नॉन टेक से पूछे जाते हैं, उसका मॉडल पेपर भी लेकर आए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप PDF को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड टू कट थिन पाइप्स ऑफ स्मॉलर साइजेस। छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइप्स को काटने के लिए पाइप कटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? तो इसके लिए आधार हो जाता है पाइप वॉल थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ फिलर रॉड सेल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? तो हम जानते हैं फेरस में लोहे का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लोहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया को हम क्वेंचिंग कहते हैं, जब स्टील को एक अधिक तापमान तक गर्म करते हैं और फिर अचानक से उसको पानी में डालकर ठंडा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्वेंचिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना ही नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेटिंग रूट गैप। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो टू गेट गुड पेनिट्रेशन के लिए हम रूट गैप को स्थापित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? तो इसमें कॉपर में उच्च जो है तापीय चालकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कॉपर की कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तभी हम वायर में जो है कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हॉट वेल्ड जॉइंट रैपिडली हैमर टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है? तो ये इस प्रक्रिया को पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन प्रोसेस हायर हार्डनेस। ठीक है, किस प्रकार की कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो हम जानते हैं वाइट कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज सॉफ्ट, किस प्रकार का कास्ट आयरन सॉफ्ट होता है? तो हम जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आंसर में ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज्ड टू वेल्ड 2 mm थिक MS सीट। ठीक है, 2 mm मोटी MS सीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसके लिए हम 1.6 mm का साइज का जो है फिलर रॉड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लक्स कोटिंग इन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये टू स्टेबलाइज द आर्क के लिए हम इलेक्ट्रोड में फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। ठीक है, आर्क को स्थिर करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन लीवर इन गैस कटिंग। ठीक है, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है? तो ये टू रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन एंड टू पुश द मेटल मोल्टेन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना ही ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य होता है। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेजिंग नोजल इज सेलेक्टेड फॉर रिविट हेड कटिंग। रिविट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है? तो इसके लिए हम बेंट नोजल विथ 3 प्री हीटिंग होल्स वाला नोजल का चयन करते हैं। ठीक है, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन ऑफ अ पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स का नाम क्या है? तो ये फिगर देख लेते हैं। ये हमारा पोर्टेबल कटिंग मशीन दे रखा हुआ है और इसमें इस भाग को पूछ रहा है, इस भाग को क्या बोलते हैं? तो इस भाग को बोलते हैं स्पीड कंट्रोल। इसके द्वारा हम टूल की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल, टूल की स्पीड को इसके द्वारा कम और ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट बेनिफिट वी गेट आउट ऑफ अ कार्बराइजिंग फ्लेम। ठीक है, कार्बराइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ होगा? तो कार्बराइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ होगा? इससे हमें सुटेबल फॉर स्टेलाइट फ्लेम क्लीनिंग स्टार्टर और लॉ सफाई के लिए कार्बराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन जेनरेटेड एसिटिलीन गैस। बोल रहा है उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है? तो एसिटिलीन गैस में हाइड्रोजन लाइम डस्ट और अमोनिया एंड वाटर वेपर के कारण डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया और जल वाष्प के कारण जो होता है डिफेक्ट उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वॉट इज द रेंज ऑफ प्रेशर यूज इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज इन गैस वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है? तो इसमें किस श्रेणी में किया जाता है? 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेंज में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइटवर्ड वेल्डिंग? राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? तो इसके लिए 30 डिग्री टू 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट गैस वेल्डिंग बाय फोर हैंड टेक्निक कैन बी यूज्ड विथआउट एज प्रिपरेशन? ठीक है, एज प्रिपरेशन के बिना फोर हेड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अप टू 3.15 mm के थिकनेस का यूज किया जाता है। ठीक है, थिकनेस की प्लेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फ्लक्स यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रास? पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है? तो पीतल की वेल्डिंग में हम बोरैक्स पेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फ्लक्स इज टू बी यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट्स? गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलर रॉड टू बी यूज फॉर गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम? ठीक है, गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम के लिए किस फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्योर एल्यूमिनियम 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम अलॉय का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम जॉब फॉर गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान कितना होना चाहिए? तो इसके लिए प्री हीटिंग तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, What is the base for selecting the nozzle size for gas welding of a pipe? पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या होना चाहिए? तो इसके लिए पाइप वॉल थिकनेस आधार बनाते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME फॉर अ पाइप जॉइंट वेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन? ठीक है, एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए वेल्डिंग की स्थिति 2G होनी चाहिए। ठीक है, 2G ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन? ठीक है, 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप को 12:00 से 6:00 तक या तो अपहिल या तो डाउनहिल विधि द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इसमें 5G पोजीशन में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाइप वेल्डेड
12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर फिनिश रन ऑफ 550 mm पाइप रूट वेल्डेड यूजिंग 51.65 फिलर। बोल रहा है CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार 51.65 फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप 550 mm पाइप रूट के फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम 533 mm का जो है पाइप यूज करते हैं। फाइव का मतलब डाया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 3 mm डाया वाला पाइप। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। 5 mm मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए 3.1.15 mm डाया का पाइप यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ अ मेटल। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। तो इसके लिए धातु की कठोरता हमारे टेंसाइल टेस्ट के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ प्री हीटिंग इज डन ओनली एट द पोर्शन टू बी वेल्डेड। किस प्रकार की प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। तो इसमें लोकल प्री हीटिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। अलॉय धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए रिवर्स पोलैरिटी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मोल्टेन पूल। बोल रहा है मोल्टेन पूल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। तो लॉन्ग आर्क लेंथ का नियंत्रण इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अनस्टेबल आर्क। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, लॉन्ग आर्क लेंथ जो है अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पुअर पेनिट्रेशन। किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। तो ये लॉन्ग आर्क लेंथ जो है खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजीशन इन पाइप वेल्डिंग। ठीक है, पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। तो ये स्थिति क्या है, 6, 12, 3, 9 o'clock points। ठीक है, 6, 12, 3, 9 o'clock points। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द 6 o'clock पोजीशन इन क्लॉकवाइज पाइप वेल्डिंग रिफर्स टू इन 5G पोजीशन। बोला है CW यानी क्लॉकवाइज पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है। तो इसकी 5G स्थिति क्या होती है, ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What procedure is to be followed for welding pipe under 6G position? बोल रहा है 6G की स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पाइप नॉट रोटेटेड एंड पाइप एक्सिस 45 डिग्री एंगल. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्ष 45 डिग्री कोण जमा वेल्ड फ्लैट लंबवत. ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एलिमेंट फिलर रॉड इज यूज्ड टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट्स? स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मॉलिब्डेनम एंड कोलंबियम का यूज किया जाता है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द कॉमन अलॉयिंग एलिमेंट ऑफ ब्रास? पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से हैं? तो इसके आम मिश्र धातु तत्व कॉपर और जिंक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम अलॉय कंसिस्ट ऑफ 1% आयरन एंड सिलिकॉन? निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं? तो इसमें कॉमर्शियल प्योर एल्यूमिनियम में जो होता है 1% लोहा होता है, लोहा और सिलिकॉन होता है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ सीट्स बिफोर डूइंग गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या होता है? तो टू अवॉइड पोरोसिटी से बचने के लिए हम गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज अ नॉन फेरस फिलर विथ मेल्टिंग पॉइंट अबोव 450 डिग्री सेल्सियस देन बेस मेटल? किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक अलॉय फिलर का उपयोग करते हैं? तो इसमें ब्रेजिंग का यूज करते हैं. तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल्स टू वेल्ड दी सिमिलर मेटल्स? ठीक है, किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? तो ब्रेजिंग के द्वारा. ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What type of gas flame is used to weld 2 mm mild steel by brazing method? ठीक है, brazing विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो? वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो कौन सा सिस्टम? एसी वेल्डिंग में जो है आर्क ब्लो नहीं होता है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन के कारण डिस्टॉर्शन या विरूपण की समस्या उत्पन्न होती है. तो इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है? इसके कारण डिस्टॉर्शन की समस्या उत्पन्न होती है. डिस्टॉर्शन, ठीक है.
डिस्टॉर्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन इन फिगर। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें दिखाए गए फिगर में किस प्रकार का डिस्टॉर्शन है, इस फिगर में दिखाया गया डिस्टॉर्शन किस प्रकार का डिस्टॉर्शन है, तो ये ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन है, ठीक है, अनुप्रस्थ विकृति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेल्डिंग इज नॉट अ मेथड यूज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है। तो ये राइट हैंड वेल्डिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विच वन ऑफ द बिलो इज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। तो इसमें यूज फ्यू पासेस विथ लार्ज डाई इलेक्ट्रोड, ठीक है, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।